काका हाथरस जी ने इनके बारे में बहुत अच्छी बात कही थी कि प्रकृति बदलती क्षण क्षण देखो, बदल रहे और कणकण देखो, तुम निष्क्रिय से पड़े हुए थे, भाग्यवाद पर अड़े हुए थे। छोड़ो मित्र पुरानी दफली, जीवन में परिवर्तन भाओ, परंपरा से ऊंचे उठकर कुछ तो स्टैंडर्ड बनाओ। काका हाथरसी ने यह बात मुझे लगता है कि पहले ही सोच समझ करके तैयार कर रखी कर ली थी। और महोदय इसीलिए महोदय इसके अलावा प्रदेश में और भी क्षेत्रों में अपनी प्रगति को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है, चाहे वह शीरा उत्पादन में देश का नंबर एक राज्य है, प्रदेश एथेनॉल ब्लेंडिंग में यह देश के अंदर आज के दिन पर नंबर एक राज्य है, और प्रदेश के अंदर अन्य बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर खासतौर पर पारिवारिक मुद्दे भी आते थे, बेटे बेटी पिता मां पति पत्नी बहू सगा भाई, यानी अगर सगे भाई के मृत्यु की स्थिति में उसकी पत्नी सगी बहन दामाद पुत्र पुत्री यानी सबको आवासीय अथवा कृषि संपत्ति ट्रांसफर करने में जो पहले एक लंबी प्रक्रिया होती थी, पूरा शुल्क देना होता था, आज मात्र 5,000 रुपये नियत करते हुए हम लोगों ने सुविधा प्रदेश में उपलब्ध कराई है। लाखों परिवार इन सुविधाओं का लाभ प्रदेश में ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जहां तक मान्य सदस्य मान्य नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो बातें यहां पे कही गई, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि वे हर मुद्दे पे बताने का प्रयास करते हैं कि तो समाजवादियों ने किया है, जैसे समाजवादियों के कारनामे तो लोग अब तक भूले नहीं हैं प्रदेश में। और मुझे लगता है कि हां जब जाहिर है तो हर व्यक्ति जानता है और कैसे कैसे ये लोग खेल खेलते थे उत्तर प्रदेश के अंदर, किस किस प्रकार की कारनामे होते थे। अक्सर होता है हमारे नेता विरोधी दल चुनाव के पूर्व उनको कोई इंटरव्यू देना होता तो एक सेंटर में आते हैं, जाने का प्रयास करते हैं। प्रदेश के अंदर सत्ता प्रायोजित डकैती के सबसे अच्छे उदाहरण हो सकते हैं और किस रूप में हो सकते हैं, उनमें से एक सेंटर है जीपीएम आईसी। महोदय इसका जो मेन जो डीपीआर है वो केवल 265 करोड़ रुपए का ये आंका गया था, और 265 करोड़ रुपए के डीपीआर के बाद इस पे 821 करोड़ खर्च हो गया, तब भी पूरा नहीं हो पाया। एक उदाहरण है, यह 6 साल से सरकार आई है लेकिन 6 साल से पहले आप क्या कर रहे थे, 5 साल उससे पहले क्या कर रहे थे, गोमती रिवर फ्रंट, गोमती रिवर फ्रंट, गोमती रिवर फ्रंट की स्थिति जो पीपीआर बना था 167 करोड़ का, बाद में फिर डीपीआर 340 करोड़ या समथिंग कुछ और इन्होंने आगे पीछे किया, फिर 2015 में इसको बढ़ाकर के लोग लेके गए 656 करोड़ का, फिर जून 16 में इसी योजना को इसी डीपीआर की जो रिवाइज स्टेट जो इन्होंने प्रस्तुत किया कैबिनेट से पास किया वो 1513 करोड़ का, और महोदय 1437 करोड़ खर्च करने के बाद भी कार्य अधूरा का अधूरा पड़ा रहा। इसमें हमें आश्चर्य होता है अनियमितता किस हद तक की, इसमें पीएससी का गठन किया गया, सीबीआई और ईडी के द्वारा भी इसमें जांच की जा रही है,
और जब इसमें हम लोग विभिन्न निष्कर्षों पर पहुंचे तो अनियमितताएं जैसे डायफ्राम वाल्व कार्यों को बिना अनुमोदित ड्राइंग कराना, समर्स रिमूवल में अनियमितता, 141 अनुबंधों में अनुबंधित धनराशि से अधिक का भुगतान किया जाना, विजन डॉक्यूमेंट के कार्य को बिना सक्षम स्तर से स्वीकृति के विस्तार कर भुगतान किया जाना, डायफ्राम वाल्व के प्लेटफॉर्म के काम को पूर्ण होने के बाद भी अतिरिक्त 4 फर्जी अनुबंध गठित किया जाना, इंटरसेप्टिंग ट्रंक ग्रेन में निर्धारित रेट से अधिक रीच में कार्य कराई जाना भी, ये सभी चीजें इसमें थी। यानी ये किस हद तक कार्य करते थे, कारनामे प्रदेश की जनता भूली नहीं है। और एक और कारनामा है, यद्यपि ये तो लंबी फेरस्त है और हर जिले में होगा, यहां पे यद्यपि सब जुडिस मामले को या फिर जुडिशरी से जुड़े हुए मामलों को उठाते नहीं, लेकिन एक ध्यान आकर्षण के लिए बहुत आवश्यक भी है। लखनऊ बेंच का जो भवन बना है, महोदय निर्माण कार्य में पैसा तो प्रदेश की जनता का लगाना, मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वह स्ट्रेंथ यहां पे 30 जजेस बैठेंगे, यहां पे जब भी बैठेंगे, वर्तमान में 20 बैठते हैं, लेकिन चेंबर कितने बनाए गए, 76 चेंबर बनाए गए। इसकी जो पीपीआर थी वह भी 346 करोड़ के आसपास की थी, और बाद में बढ़कर के इसके पहले 771 करोड़ किसको किया गया, फिर 1561 करोड़ इस पर खर्च किए गए, और लाखों रुपया आज भी इस भवन के रख रखाव में खर्च होता है, केवल मेंटेनेंस पे खर्च होता है। अरे भाई साहब, इधर से यानी 76 चैंबर बने हैं, जजेस बैठ रहे हैं मात्र 20, बाकी 56 खाली, और उनके मेंटेनेंस के नाम पे प्रदेश का पैसा किस तरीके से खर्च हो रहा है, ये कारनामी किसी और की नहीं, ये विदेश से डिग्री प्राप्त करवाई किए हुए हमारे नेता प्रतिपक्ष के ही समय के कारनामे हैं। और इसीलिए ये प्रदेश के बारे में जो इतनी गलत धारणा बनी थी, जो यहां का नौजवान अपनी पहचान को छुपाता था, इन्हीं कारणों से छुपाता था, महोदय प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में कह रहे थे, माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे इसके बारे में भी, और कानून व्यवस्था की स्थिति किस रूप में थी, इससे कोई यानी हर व्यक्ति इस बात को जानता है, खासतौर पर 2016 के सापेक्ष अगर 2022-23 में अगर हम देखेंगे तो आज के दिन पर, महोदय एनसीआरबी के जो डाटा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ये मेरे स्वयं के नहीं है, उत्तर प्रदेश गृह विभाग के भी नहीं है, ये जो डाटा है यहां एनसीआरबी के हैं, और इसमें खासतौर पर डकैती के मामलों में 80.31% की कमी आई है, लूट में 61.51% की कमी आई है, हत्या में 32.45% की कमी आई है, बलवा में 51.65% की कमी आई है, पड़ोती में 45.18% की कमी आई है, और दुष्कर्म के मामले में भी 21.75% की कमी आई है। महोदय 17 के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में क्या मंजर था, अपराधियों माफियाओं दंगाइयों और भूमि में अवैध कब्जों को शासन का प्रश्रय प्राप्त था, और दूसरे तीसरे दिन तो दंगे होते थे, और अराजकता की स्थिति थी, अव्यवस्था थी, और 2017 के बाद ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है जो हर हाल में कानून का राज स्थापित करके हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी दे रही है, उसका परिणाम वह हम सबके सामने आए। और महोदय आज एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश के बारे में लिखती है कि प्रदेश के अंदर महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में नंबर एक पर राज्य है, जो अपने यहां सबसे अधिक अपराधियों को सजा दिलाता है। महोदय इस दौरान
63,000 से अधिक अपराधियों को गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत, 836 अपराधियों के विरुद्ध एनएसएक में कार्रवाई की गई और साथ साथ गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 9,163 करोड़ की चल और अचल संपत्ति का जब्तीकरण का कार्य भी हुआ है। माफिया और अपराधियों के द्वारा जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है उनमें 2827 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी सरकार ने अपने कब्जे में लिया है। प्रदेश के अंदर 66 माफिया और उनके गैंग के जो सदस्य हैं कुल 1044 के विरुद्ध 590 अभियोग पंजीकृत भी किए गए और 506 की गिरफ्तारी भी की गई। इसमें उनके खिलाफ बहुत अन्य तमाम कार्रवाई भी की गई और बाकी और व्यक्ति जानता ही है उत्तर प्रदेश में, तो बाकी अपराधी और माफियाओं के खिलाफ कैसे कार्रवाई होनी है इसके बारे में बताने की आवश्यकता ही नहीं है। 2017 के बाद महिला और बाल सुरक्षा संगठन प्रभावी ढंग से कार्य करना प्रारंभ किया है। प्रत्येक जनपद में महिला थाना के अतिरिक्त एक अन्य थाने में महिला थानाध्यक्ष को नियुक्ति दी गई है। महिला और बाल संबंधी अपराध, इसके बारे में मैंने पहले आपको बताया, यहां पर बताया है, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 4579 अभियुक्तों में से 487 अभियुक्तों में तो आजीवन कारावास, 1016 को 10 वर्ष और 10 वर्ष से अधिक का कारावास और 3076 अभियुक्तों को 10 वर्ष से कम का कारावास की सजा भी प्रदेश के अंदर हुई है। प्रदेश सरकार की जो पहल है प्रोसिक्यूशन और प्रदेश में समयबद्ध तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाने का परिणाम है। पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत भी 7276 अपराधियों को सजा या महिला संबंधी अपराधों में जो कार्रवाई हुई है ई प्रोसिक्यूशन में पूरे देश में उत्तर प्रदेश आज नंबर एक पर है। प्रदेश में 3 महिला पीएससी बटालियन की गठन की कार्रवाई भी प्रदेश सरकार ने तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। तो प्रदेश के अंदर 79 महिला पुलिस चौकी और परामर्श केंद्र और उनको थाने का दर्जा देने की कार्रवाई को भी प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाया है। आज के दिन पे जो हमारे पास जो सबसे बड़ी चैलेंज हमारे सामने है वह है साइबर क्राइम की भी, और हर एक जनपद में प्रतिदिन इससे संबंधित दर्जनों मामले सामने आते हैं। 2017 के पहले इसकी कोई पॉलिसी नहीं थी, न सरकार का कोई विजन ही था। 2017 के बाद सरकार ने आज इस कार्रवाई को पहले चरण में रेंज स्तर पर यानी कमिश्नरी स्तर पर हम लोगों ने साइबर थाने का गठन किया और आज हर जनपद स्तर पर एक एक साइबर थाने के गठन की कार्रवाई को भी हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया है। बहुत शीघ्र उसके लिए धनराशि भी जारी की जा रही है जिससे थाने का गठन करने के साथ साथ वहां पर हर एक जगह मैन पावर की आपूर्ति भी हो सके, इन कार्रवाई को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया है। 1531 थानों में महिला संबंधी सुरक्षा के लिए साइबर हेल्प, यहां पे साइबर थानों से संबंधित साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की जा चुकी है, हेल्पलाइन भी जारी की जा चुकी है और प्रदेश के अंदर साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ में एडवांस साइबर फॉरेंसिक लैब 18 जो हमारे रेंज है, इन 18 रेंज में भी बेसिक साइबर फॉरेंसिक लैब तथा 57 जनपदों में साइबर जो क्राइम थाने हैं इनकी भी स्थापना की कार्रवाई को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अब तक गठन की प्रक्रिया को आगे किया है। और पहली बार उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा करके मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्तमान सत्र में हम लोगों ने उसमें प्रवेश की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया है और बीएससी और एमएससी का डिप्लोमा के कुछ पाठ्यक्रम भी हम उसमें बीटेक एमटेक और एलएलएम के इंटीग्रेटेड कोर्सेज को भी हम उसमें संचालित करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा चुके हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 2017 के पहले भर्ती की जो बात थी और सदन में नेता कांग्रेस ने भी अपने भाषण के दौरान चर्चा की थी कि आखिर हमने कितनी नौकरियां दी हैं। मगर अगर अकेले पुलिस की ही मैं बात करूं तो पुलिस के भर्ती में अब तक 1,64,000
पुलिस कार्मिकों की भर्ती 2017 में सरकार आने के बाद से हम लोगों ने की है और पारदर्शी तरीके से ये भर्ती की प्रक्रिया अब तक संपन्न हुई है। केवल पुलिस की मैंने ये बात की है, लेकिन 17 की पहले क्या स्थिति थी, भर्ती भी एक घोटाला हुआ करता था, वहां घोटाला हुआ करता था। आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, वहां पे तो चाचा भतीजा भाई ये सब संलिप्त हो जाते थे और किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी दलित को, किसी पिछड़े को उसके हक को जबरदस्ती डकैती डालने का काम 2017 के पहले होता था। और इसीलिए माननीय न्यायालय को इसे बार बार स्टे देना होता था। 2017 के पहले भर्ती की प्रक्रिया प्रदेश में पूरी तरह बाधित थी। प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया 2017 के बाद हुई और 2017 के बाद पूरी तरह पारदर्शी पुलिस की भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करते हुए उन सभी प्रक्रियाओं को हमने पूरा किया है। 5381 हम लोगों ने नए पदों की मंजूरी, जिसमें 86 राजपत्रित और 5295 और राजपत्रित श्रेणी के पद हैं। इस दौरान प्रदेश में 114 नए थाने, 163 नई चौकियां, 6 महिला थाना, 4 आर्थिक अपराध के थाने और बाकी प्रदेश में जो हम पहले बताए थे साइबर थाने हर जनपद में बनाए गए हैं। 40 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थानों को भी प्रदेश के अंदर गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। प्रदेश के अंदर इस दौरान अन्य इस क्षेत्र में जो भी रिफॉर्म होने थे, केवल भर्ती ही नहीं होनी थी, उनकी ट्रेनिंग के लिए उस प्रकार की ट्रेनिंग क्षमता बढ़ाना। आज प्रदेश में जब हम लोग 2017 में आए थे, प्रदेश की ट्रेनिंग की क्षमता मात्र 6000 थी और आज हम कोई भी भर्ती करेंगे तो 30,000 रिक्रूट को एक साथ ट्रेनिंग की देने की क्षमता उत्तर प्रदेश के पास है। यानी हमने इसको 5 गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त की, क्योंकि पहले की सरकारों की सोच संकीर्ण थी, उस संकीर्ण सोच से वे कभी उभर नहीं पाए थे और परिणाम हम सबके सामने है कि उसी संकीर्ण दायरे में कैद होकर के उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का एक संकट पिछली सरकारों ने रखा किया था, आज उससे उभार करके इस प्रदेश को नए भारत के नए प्रदेश के रूप में और नए भारत की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होते हुए उत्तर प्रदेश को आज देश के अंदर जाना जा रहा है। महोदय, औद्योगिक निवेश की जब हम बात करते हैं, इसमें भी हमारे नेता विरोधी दल को बुरा लग जाएगा, ये कहेंगे वो तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मैं भी करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया, क्योंकि काका हाथरस सिंह ने इनके बारे में बहुत अच्छी बात कही थी कि प्रकृति बदलती क्षण क्षण देखो, बदल रहे और कण कण देखो, तुम निष्क्रिय से पड़े हुए थे, भाग्यवाद पर अड़े हुए थे, छोड़ो मित्र पुरानी दफली, जीवन में परिवर्तन भाओ, परंपरा से ऊंचे उठकर कुछ तो स्टैंडर्ड बनाओ। काका हाथरसी ने यह बात मुझे लगता है कि पहले ही सोच समझ करके तैयार कर रखी कर ली थी। और महोदय, इसीलिए हम लोग इस बात को मान के चलते हैं कि अगर दृष्टि लक्ष्य पर हो और कदम राह पर हो तो ऐसी कोई राह नहीं जो लक्ष्य तक न जाती हो। हमने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाने का जो लक्ष्य रखा है, ये सब राह वहीं तक पहुंचने के हैं।